समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क आज कुंदरकी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक आंखों के अस्पताल का उद्घाटन किया। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि नगर में आंखों के अस्पताल की बेहद जरूरत थी। कुंदरकी नगर के लोगों को इससे अब सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने अस्पताल संचालक को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, मुख्य रूप से परवेज अली, तौसीफ खान, खलील अहमद, इलियास खान, अफरोज अली खान, सबासद वसीम अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, क्या प्रोग्राम था आज? ये उद्घाटन हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूँ खासतौर से जो इसके मैनेजमेंट और ये जो डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो गरीब लोग हैं उनका जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का या जो भी बीमारी का होना है आँखों की, उसका ये मुफ्त करेंगे। ये खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो कस्बे के हों या देहात के लोग हों, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अल्लाह इनको और हिम्मत दे कि आने वाले वक्त में ये यहाँ जो प्रोफेशन तो सब होते ही है, कारोबार होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोफेशन ये खिदमत का, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर ये और ज़्यादा खिदमत अपनी अंजाम।